मुझे बुलाया, जिन राज्यों में बुलाया, जिस कैंडिडेट ने बुलाया, मैं उसके लिए प्रचार करने गया हूँ। और मैं 12-15 स्टेट्स में मैं गया हूँ, हर जगह अच्छा समर्थन मिला कांग्रेस कैंडिडेट्स को। और राजस्थान के अंदर भी हम लोग मजबूती से आगे बढ़े हैं, इसका आने वाले समय में संगठन को लाभ मिलेगा। और जो अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना, लेकिन केंद्र में क्या समीकरण बन रहे हैं अभी हमें वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। संजना जाटव जी, हमारी छोटी बहन को टिकट हमेले का दिया था, बहुत कम वोट से हारी थी और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं भरतपुर से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने उनको समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन बल और संसाधन सब धरे रह गए और एक गरीब घर की एक नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा, वो 26 साल की हैं और ये मुझे लगता है कि 26 साल कुछ खास उम्र है। हाँ, तो मैं भी 26 साल में MP बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड हैं वो बनते टूटने के लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर संसद में भेजा है। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है। मैं जनता का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिता कर भेजा है। गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए सीट बदल के, तो कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे।